दंतेवाड़ा जिले में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के नेतृत्व में आज संभाग स्तरीय प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें संभाग के सभी अन्य जिले बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से 81 छात्र छात्राओं ने इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक एवं कला उत्सव 2024 के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जिस उत्सव को दंतेवाड़ा के चवंगा एजुकेशन सिटी में करवाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ स्वयं जिला कलेक्टर और जिला सीईओ ने सभी अधिकारी और पदाधिकारियों के समक्ष किया। इस पूरे कार्यक्रम को ट्राइबल विभाग के अधिकारी श्री के एस मसराम के सानिध्य में करवाया जा रहा है। यह एक दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन से सभी स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों में सहभागिता को लेकर अत्यंत उत्साह देखने को मिला। सभी कार्यक्रमों को जवंगा के अलग अलग भवनों में एक साथ एक समय पर ही करवाया जा रहा है, जिसमें सभी बच्चे अपने अपने कला और नृत्य का अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इन प्रतियोगियों को देख कर अधिकारी के साथ बच्चे भी अपनी साहित्यिक पहचान और अपनी परंपरा से जुड़ते और उसका आनंद प्राप्त करते दिखे। जिले के कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एजुकेशन हब जाऊंगा में संभाग स्तरीय क्लब आदर्श आवासीय विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में कांकेर जिले, नारायणपुर जिले, कोंडागांव जिले, बस्तरपुर जिला, सुकमा जिला, बीजापुर जिला और दंतेवाड़ा जिला के प्रत्येक जिला से 81 प्रतिभागी भाग लिए हैं। यह प्रतियोगिता साहित्यिक, सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में है। यह कार्यक्रम का उसी समय क्या है, इसका शुभारम्भ जिले के कलेक्टर महोदय, सीओ जिला पंचायत और उपस्थित जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से हुआ है और अभी कार्यक्रम चल रहा है और विभिन्न विधाओं पे कार्यक्रम दो भवनों में संचालित है। एक तो नवगुरुकुल का केंद्र है, उसमें साहित्यिक प्रतियोगिता चल रहा है और ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक प्रतियोगिता का कार्यक्रम चल रहा है। कला केंद्र का ऑडिटोरियम के ऊपर हाल में संचालित है, सामने वाले भाग में वहाँ पर संचालित है। इस तरह से यह एक दूसरी कार्यक्रम है और सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं।